दोस्तों, हरियाणा महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा की बल्ले बल्ले सत्ता में होगी वापसी। आइए जानते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले गए। चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे इन दोनों के राज्यों में बड़े बारे में क्या कहती है, इसके जरिए आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कमाल करेंगे या फिर वहां पर बदलाव की बयार बहेगी। इसके अलावा आप यह भी जान पाएंगे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को दूसरी पारी मिलेगी या फिर सूबे से भाजपा सरकार की विदाई होने वाली है। दोस्तों, दोनों ही राज्य में भाजपा की सरकार है, लिहाजा भाजपा का इन राज्यों में काफी कुछ दाव पर लग रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इन राज्यों में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश की। हरियाणा में शाम 6 बजे तक लगभग 62% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हुए हैं। आंकड़े में अभी और फेर बदल हो सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट शेयर की बात करें तो 2014 में भाजपा का 46% वोट शेयर रहा था तो कांग्रेस का 34% था। महाराष्ट्र में साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 133 सीटें हासिल कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, जबकि 63 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर पर थी। भाजपा शिवसेना गठबंधन को 186 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में 42 और NCP के खाते में 41 सीटें आई थी, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई थी। वही हरियाणा की 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 47 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो ने 19 जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। दोस्तों, इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।